हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। तो आज हम कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी बैंक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपकी स्पीड नहीं बन पाती, तो बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो आपसे छूट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कैलकुलेशन के ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो ऐसे ही और भी वीडियोस आएंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक से, फिर हम फ्रैक्शन की, डिवीजन की ऐसी ट्रिक्स पढ़ेंगे जिससे कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हमारी पहली ट्रिक जो है ये होगी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की। जैसे मैंने आपको कहा, तो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। अगर आप किसी भी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मैं यहाँ 5 लिखती हूँ, अब आपको अगर 5 को मल्टीप्लाई करना है लेट से 72 से, तो आप क्या करोगे? पहले 5 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 टू 10, यहाँ कैरी आया 1, 5 7 जा 35 और 1 36। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसका जो है एक सिंपल वे जो है आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो छोटी टर्म थी तो बड़े ईजिली हो गया हमारे पास, लेकिन ये टर्म्स जो हैं ये बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। ज़रूरी थोड़ा ना आपको 2 डिजिट नंबर ही आएगा जिससे आपको किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी सिंपल जो ट्रिक है तो वो ये है कि 5 को आप ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, 10/2। 5 का मतलब क्या होता है, 10/2। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी चीज़ को 72 को लेट सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो इट्स बेटर कि आप 72 को 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 3 6, 2 6 12, और मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 लगा दो। सिंपल है। तो इस तरीके से आपको 2 से सिर्फ डिवाइड करना है। एक दो हम और देख लेते हैं अपने पास ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल आपको है 795 दिया, 795 × 5, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 795 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 3 6, 2 9 18, 2 7 14, और 2 5 10, क्योंकि 0 तो हमारे पास है, ये 10/2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर रहे हो। तो बेसिकली हमने क्या किया, 795 × 10/2, तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया और 0 तो हमारे पास है ही, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास डिजिट्स बन जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3975। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और करवा देती हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं अपने पास कोई टर्म। फॉर एग्जांपल 1086, 1086 × 5, तो इसमें भी आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 5 10, 2 4 8, 2 3 6 and 0, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सिंपल है, इससे आपका टाइम सेव हो रहा है। अब आपको जो है बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी। आप एक और इससे ज़्यादा बड़ी टर्म ले सकते हो इफ़ यू वॉन्ट, तो आप ये करके देख लीजिए एक बार, 2 9 7 6 × 5, तो सिमिलरली इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, और साथ में एक 0 ऐड ऑन हो जाएगी क्योंकि इसको हम 10 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। क्लियर है इतना? तो ये तो हुई 5 से कैलकुलेशन। ठीक है, इसके अलावा अब हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि वैसे ही, वैसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, सिमिलरली जैसे हमने 5 को 10/2 लिखा है, वैसे ही आप 25 को क्या लिख सकते हो, 100/4, और इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, हम 25 के मल्टीपल्स को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 25 के मल्टीपल्स को चेक करेंगे और सिंपलेस्ट वे ढूंढेंगे कि कैसे हम जो है मल्टीप्लिकेशन को ईजी बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना आज का जो ये ट्रिक्स का सेशन था इसको कम्प्लीट करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।